हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? होप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पटेटो रोलअप्स। इसे आप चाय टाइम में गर्मा गर्म परोस सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 2 कप मैदा ले रही हूँ, तो आप जो भी मेजरिंग कप लोगे सामान्य रूप से ही लेना। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल, तो ये वेजिटेबल ऑयल है जो मैं यहाँ उपयोग कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। इसे ऐसे हाथों में डालकर अच्छे से मसल कर इसमें डाल दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, इसका स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी, तो पहले ही पानी मत डालिएगा, अच्छे से इसे मिला लिएगा। तो मिलाने से क्या होता है, आपको एकदम क्रंची और क्रिस्पी कवरिंग मिलेगा। तो यही है एकदम क्रिस्पी कवरिंग का टेक्निक। तो बस हाथों से अच्छे से मिलाइएगा, और जब आप ये जो मिश्रण हाथों में इकट्ठा लेते हो ऐसे, तो ये एकजुट हो जाता है और फिर टूट जाता है, बस ऐसे देखिए। तो ऐसे ही आपको ये मिश्रण बनाना है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर पानी डालूंगी, तो यहाँ मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो थोड़ा थोड़ा कर डालिएगा और एकदम कड़क आटा यानी कि टाइट आटा गूंदिएगा। तो टाइट आटा हम क्यों गूंदते हैं, टाइट आटा गूंदने से एकदम क्रिस्पी कवरिंग मिलती है इसलिए। अब अच्छे से गूंदने के बाद इसे मैं इकट्ठा कर लूंगी हाथों में। तो आपको नरम आटा नहीं गूंदना है, टाइट आटा गूंदना है। तो बस ऐसे इकट्ठा करके रख दीजिएगा। अब इस आटे के ऊपर मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच तेल। अब हाथों का उपयोग करके ऐसे चारों तरफ लगाएंगे, बस ऐसे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया है, पीने वाला पानी है। अब इसमें मैं अच्छा सा साफ कपड़ा डालूंगी ऐसे, और उसे निचोड़ दूंगी ताकि जो ज़्यादा पानी है वो पूरा निकल जाए। निचोड़ने के बाद ये कपड़ा हम आटे के ऊपर रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आटे की जो ऊपरी परत है वो सूखी नहीं पड़ेगी। तो यही ट्रिक है। अब इस आटे को हम 20 मिनट के लिए आराम देंगे, तो ये एक कोने में पड़े रहने दीजिएगा। तो चलिए अब फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक बोल में 4 उबले हुए आलू ले रही हूँ। तो इस आलू को मैं फोक की सहायता से मैश कर रही हूँ। तो आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद हम इसमें बाकी सामग्री मिला लेंगे। तो आप पूछोगे पटेटो रोलअप्स में तो आलू बाहर दिखता है, तो वो तेल में नहीं छूटेगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च कटी हुई, कुछ धनिया के पत्ते कटे हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कुचला हुआ, 4 लहसुन की कलियाँ कुचली हुई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, इसे मैंने हल्का सा भुना था और फिर पाउडर किया था, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च यानी कि जो कॉर्नफ्लावर मिलता है वही आपको यूज करना है। तो ये जो कॉर्नफ्लावर है इससे हमें बाइंडिंग एजेंट मिलता है, और इससे जो हमारा फिलिंग है वो बाहरी परत कुरकुरा आता है, तो इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिला रहे हैं। तो इसलिए जब आप इसे तेल में तलोगे तो जो आलू का मिश्रण है वो बाहर नहीं छूटेगा, वो रोल के साथ चिपक कर रहेगा भले ही वो खुला हो। अब आपको समझ में आया, यही है वो ट्रिक। तो कॉर्नफ्लावर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको इस मिश्रण को हाथों से अच्छे से मिलाना है ताकि सब कुछ एकजुट हो जाए। मिलाने के बाद अब मैं हाथों में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे तेल लगाऊंगी और सामान्य रूप में
इसे ऐसे गोले बनाकर आकार दूंगी, बिल्कुल एक पैटी की तरह, बस ऐसे। तो जब भी आपको लगे तब आप हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाइएगा और ऐसे पैटी बनाते जाइएगा। तो देखा कितना आसान था ये बनाने, और ये काफी झटपट भी बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट और चाय टाइम के लिए एकदम बराबर है। तो जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस ऐसे ही आपको सारे जो पैटी है, जो फिलिंग है, उसे ऐसे ही बनाना है। अब चलिए हम दूसरे प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक बोल में 1 बड़ा चम्मच मैदा ले रही हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये किस लिए हम बना रहे हैं, ये आटे को चिपकाने की प्रक्रिया है। तो ये हम आटे को चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए हम ये जो गोंद जैसी एक चीज़ बना रहे हैं। अब इसे हम बाजू में रख देंगे और चलिए पटेटो रोलअप्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं एक चॉपिंग बोर्ड का उपयोग कर रही हूँ। आप जो नॉर्मल चपाती रोल करते हो वो भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो है ये वुड का बोर्ड है, इसलिए काफ़ी आसानी होगी। अब मैंने ये आटे को 2 हिस्सों में भाग कर दिया है। एक हिस्सा मैं बाजू में रख दूंगी, बाद में उसे रोल करूंगी। अब ये जो आटा है इसे हाथों में ऐसे एकजुट कर दीजिए, बस ऐसे। एकजुट करने के बाद इसे ऐसे हल्का सा ऐसे चपटा कीजिए, बस ऐसे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बोर्ड में सूखा मैदा ऐसे डस्ट कर लेंगे और अब ये आटे को रख के अच्छे से बेल लेंगे, बस ऐसे। तो एकदम अच्छे से और सामान्य रूप में आपको बेलना है। आपको मोटा नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसे मोटा रखोगे तो अंदर का परत जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो एकदम परफेक्ट आपको बेलना है, और इसे थोड़ा टाइम लगेगा बेलने, क्योंकि ये जो आटा है ये हमने कड़क बांधा था, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा धैर्य रखे और इसे बेलिएगा, बस ऐसे। तो ये आपको एकदम क्रिस्पी कवरिंग मिलेगी। तो अब हमारा जो आटा है एकदम अच्छे से बेल चुका है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो देखिए बस ऐसे ही, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, एकदम परफेक्ट। अब हम एक पटेटो ऐसे ले लेते हैं और ऐसे रख के इसे चाकू की सहायता से ऐसे काट लेते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमें कितना चाहिए। तो बस ऐसे एक एक करके हम चाकू की सहायता से काट लेंगे, बस ऐसे। तो मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाता है और झटपट बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसे ही आपको बाकी भी शीट भी बनाना होगा। तो अब हमने ऐसे काट लिया, अब ये पटेटो को मैं ऐसे ले लूँगी और यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे रख दूँगी। अब ध्यान से देखना, बड़े सावधानी से इसे ऐसे रोल करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ आलू बाहर है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमने कॉर्नस्टार्च मिलाया था तो वो तलने के टाइम बाहर नहीं आएगा। अब आपको ये जो मैदा और पानी का मिश्रण है उसे ऐसे आखिर में लगाना है और इस रोल को बंद करना है, तो इससे ये चिपक जाएगा, बस ऐसे। और ऐसे ही आपको सारे पटेटो रोलअप्स बनाना है। देखा कितने आसानी से बना, और इसमें ज़्यादा आपको चिपकाने की या अलग अलग तरह से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है, बस ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही और रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो देखते ही देखते हमारा सारा पटेटो रोलअप्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम तलने से पहले इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद तलेंगे। तो 30 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में तेल रखा है, तो मैंने आग को मध्यम आंच में ही रखा है। तो तेल जैसे मध्यम आंच में गर्म होते ही हम एक एक करके बड़े सावधानी से ये पटेटो रोलअप्स को ऐसे रखेंगे,
बड़े सावधानी से कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो बड़े सावधानी से इसे धीरे से रखिएगा, ऐसे जोर का मत, एकदम आराम से ऐसे एक एक करके तेल में डाल दीजिएगा, बस ऐसे। तो मैं एक बारी में बस 5 से 6 रोलअप्स को ही फ्राई कर रही हूँ। अब इसे हम मध्यम आंच पर ही तलेंगे, तब तक तलना है जब तक आपको ये कुरकुरा और एकदम पका हुआ लगे, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और बीच बीच में चम्मच की सहायता से एकदम सावधानी से इसे ऐसे पलटिएगा ताकि ये सामान्य रूप से पक जाए, बस ऐसे। तो आप देखोगे धीरे धीरे करके जो आलू का मिश्रण है वो ब्राउन होगा और एकदम बढ़िया सा लुक देगा, और ये दिखने में भी जितना सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट है, बस ऐसे ही सामान्य रूप में तलिएगा। अब हमारा जो पटेटो रोलअप से एकदम कुरकुरा लग रहा है, मैं बड़े सावधानी से इसे ऐसे निकालूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ऐसे निकालिएगा, और इसे तेल छूटने के बाद इसे पेपर टॉवल के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा, पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर के ऊपर, बस ऐसे। और ऐसे ही हम बाकी भी पटेटो रोलअप्स को तलेंगे। तो ऐसे ही हम बाकी भी रोलअप्स को तलेंगे और ढेर सारा हमारा पटेटो रोलअप्स बनके तैयार हो गया है। तो इसे तो मैं हरी चटनी और टमाटर की केचप के साथ सर्व करने वाली हूँ, आप इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर दीजिएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।